तो तुम वाकई फ्रांस जा रहे हो? और क्या, वैसे भी यहाँ करना ही क्या है, मैं तो नेक्स्ट संडे तक चला जाऊँगा। और मेरा तुम्हें भी यही मशवरा है कि भाई तुम भी यूरोप साइड निकल जाओ, यहाँ है ही क्या चंद हज़ार की नौकरी, आगे 10 तरह के अखराजात होंगे ज़िंदगी में, शादी हो गई, बच्चे होंगे भाई, और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तो यहाँ कोई इंतज़ाम है ही नहीं, वैसे भी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी चक्की पीसनी पड़ जाती है यार। लेकिन मेरे घर वाले मेरे बगैर रह नहीं सकेंगे यार। तुम तो जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी बहन वहाँ रहती हैं, तुम्हारे कजन्स हैं, मैं किसके पास जाऊँ भाई? क्या मतलब मेरी बहन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिहाइश दे देंगी, और वो भी तब तक जब तक मेरे पास जॉब नहीं है। जैसे ही मेरे पास जॉब होगी मुझे मूव करना पड़ेगा, कोई किसी का बोझ कब तक उठाएगा यार? सोच लो और अपने फ्यूचर पे फोकस करो, 8-10 साल की क्वारी है, उसके बाद फैमिली को लेके वहीं पे शिफ्ट हो जाना, मज़े ही मज़े। अभी मैं ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता यार। अभी कहीं से किसी से लेके कर लो, फिर जब वापस आओगे तो जिससे लिए होंगे उसको रिटर्न कर देना, समझ आई? हाँ चलो मिलते हैं। ऐसी होती है औलादे, अरे इस तरह से माँ बाप को छोड़ के बुढ़ापे में अकेला और चले जाएंगे, किसके आश्रय पे छोड़ के जा रहे, अरे कैसी बेइज्जती है ये। अम्मी क्या हो गया है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत जल्द बुला लूंगा आप लोगों को वहाँ। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, और एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और ये मेरी मिट्टी है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे ये तुम्हारे बाप की आंगनी में जानी है, मैं कैसे छोड़ के चले जाऊँ? और मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम, मेरे जीते जी तुम भी नहीं जाओगे यहाँ से। अभी आराम से बात करे, समझ जाएगा नहीं जाएगा। और बेटा अगर तुमको यूरोप जाना है तो बाद में चले जाना जब अफोर्ड कर सको तो। मुझे वहाँ घूमने नहीं जाना, अपना फ्यूचर बनाने जाना है, और अभी जाना है, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें जाना है ना, तभी जाओ, तुम अभी भी अभी निकल जाओ यहाँ से, इसे बोले कि चला जाए, इसे कहे कि यहाँ से आजा मेरी तरफ से, बोले जाए यहाँ से। नहीं आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, मैं कौन सा बच्चा हूँ जो वहाँ जाके खो जाऊंगा, या फिर मेरी कोई बिगड़ने की उम्र है? आप मेरी बात तो समझे। अरे तुम क्यों नहीं सोच रहे हो, अगर तुम भी चले गए तो कौन होगा यहाँ पर, कोई मरते ही होगा, हम अकेली रह जाएगी। अरे आप लोग तीन हैं इस घर में, ये सामने वाला घर मामू का है, आगे पीछे इतने रिश्तेदार रहते हैं हमारे। लेकिन बेटा घर में तो मर्द का होना जरूरी है ना। सची जिस घर में मर्द नहीं होते क्या वो लोग जीते नहीं है? और मैं कब कह रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा वापस, मुझे थोड़ा वक्त दें, अपना फ्यूचर बनाने दें, और ये मेरा आखिरी फैसला है बस। सुन लिया? अरे यार क्या सोच रहे हो? अच्छा आप अपने खुद को संभालें भाभी, वक्त ही गुस्सा है, जानती तो है ना आपकी कितना जज्बाती है वो, बस बस गए, सब ठीक हो जाएगा।